ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम हम होंगे कामयाब। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकारे संजीव मालवी और सुधा शर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम को अभी आप इसी वक्त मध्य प्रदेश के सभी केंद्रों से एक साथ सुन सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्राइमरी और विविध भारती केंद्रों से इस कार्यक्रम का एक साथ प्रसारण हो रहा है। इसके अलावा आप रेडियो एप्लीकेशन के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में जाकर AIR इंदौर या AIR भोपाल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो भी आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन सकेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा संजीव, और हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उसके पहले इंदौर वासियों के लिए और इंदौर के आसपास के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए खुशखबरी जो हम सबकी चिंताएं कर रहे थे। जी, वैसे भी हमारा कार्यक्रम जो है वो सकारात्मक का प्रतीक है और हम पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं। हम अपने तमाम श्रोताओं को ये जरूर बताना चाहेंगे, तो इस खुशखबरी के साथ शुरुआत करते हैं। सुधा जी बताइए। जी, कल 160 जो सैंपल लिए गए थे संजीव जी, उसमें से 9 पॉजिटिव आए। ये आंकड़ा पहले के जो भी रिजल्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, उससे कम है। और सुधा जी, हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, कमिश्नर हैं, उन सभी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जितने मैक्सिमम केस आने थे वो एक साथ आ चुके हैं, और डरने की बात इसलिए नहीं है कि वो पहले से ही क्वारंटाइन थे, उनसे संक्रमण के फैलाव का खतरा बिल्कुल नहीं है। और धीरे धीरे, मतलब 2-3-4 दिनों में ये जो आंकड़ा है और धीरे धीरे कम आएगा। और जो एक बहुत बड़ा अंधियारा हमारे दिलो दिमाग में था, हमारे मन में छा रहा था, वो अंधकार अब रोशनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक लक्ष्य जो हमने साधा था इस जंग को जीतने के लिए, उसकी तरफ बहुत मजबूती से हमारे कदम बढ़ते जा रहे हैं। उस कदम में मैं सभी को बताना चाहूंगी एक और खबर, एक और खुश खबर। जी संजीव जी, हमें प्रफुल्लित होना है, हमें उत्साह से झूमना है कि शासन प्रशासन ने लगभग 22 लाख इंदौर की जनता के लिए 1000 स्वास्थ्य मेडिकल टीम्स तैयार की हैं कि वो इस महामारी से बचाने के लिए हम सभी को महाअभियान के समान इस टीम को सामने रखते हुए 5 और 6 दिन में पूरे शहर को स्क्रीन आउट कर लेंगे। और स्क्रीनिंग के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि किन लोगों में ये संक्रमण फैल सकता है, किन लोगों में इस तरह के लक्षण हैं, और जिन लोगों में ये लक्षण पाए जाएंगे उनके लिए हमारी स्वास्थ्य टीम उन्हें क्वारंटाइन करेंगी या उनका उपचार करेंगी। तो चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, हम उजियारी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये जंग हम जरूर जीत लेंगे। बस मन में एक ही बात रखें, सकारात्मक विचार रखें, पॉजिटिविटी को फैलाते रहें, और मन में जो है एक जज्बा जो है जीत का सभी बनाए रखेंगे तो ये जंग हम बहुत जल्दी जीत लेंगे।